आप सबका स्वागत है। आज मैं सूजी का ढोकला बना रही हूँ तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूले। नए दर्शक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। सूजी के ढोकले के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी कटोरी दही है, एक छोटी कटोरी सूजी, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, प्याज और करी पत्ता जो छौंक के लिए चाहिए होगा हमें। यहाँ पर राई, नमक, जीरा और थोड़ा सा अजवाइन और इनो जो हम ढोकला में काम में लेंगे, मूंगफली का तेल। तो चलिए स्टार्ट। पहले जो दही है उसमें हम इस सूजी को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इडली का बैटर तैयार करते हैं उसी तरह हमें ढोकले का बैटर तैयार करना होता है। ये बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे नाश्ते में या फिर दिन में भी कभी भूख लगे तो बना सकते हैं। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक ऐड करेंगे। और थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे और इस गोल को हम 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इस गोल पर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, बॉईल होने के लिए, और ये बैटर कुछ इस तरह तैयार हो गया है। और अब हम इसमें इनो डालेंगे, तो यहाँ पर आधा इनो ही डालेंगे हम और इसे फिर मिक्स कर लेंगे। ये ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए गोल, इस बात का ध्यान रखना है। और अब हमने इस प्लेट पर थोड़ा ऑयल लगा रखा है और इसे हम इस पे निकाल लेंगे। इस तरह से हमें इस गोल को निकाल करके और इसे फैला देना है। इस तरह से ये कुछ इस तरह दिख रहा है और यहाँ पे पानी भी बॉईल हो गया है और अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे। यहाँ पे हमने इसको हटा के देखा ढक्कन को, ये हो गया है और अब हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसे ऐसे ही ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसका छौंक तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा चम्मच ऑयल रखेंगे, अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच राई और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल, करी पत्ता और हरी मिर्च को भी डाल देंगे। अगर आप प्याज बिल्कुल ब्राउन करना चाहते हैं तो ब्राउन कर सकते हैं और आप व्हाइट रखना चाहते हैं तो व्हाइट ही रख सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो ये हुआ है ढोकला उसको हम इससे निकाल लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब हम इसके पीस इस तरह से कट करके और इसके पीस तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छे से जालीदार और स्पंजी बना है ये देखिए। और अब हम इसे सर्व कर देंगे। इस तरह के पीस बन गए हैं और अब हम इनको इस पर, ये जो तेल है जिसमें हमने हरी मिर्च प्याज और ये सब डाला है उसको इस पर डालेंगे इस तरह से। सूजी का ढोकला तो तैयार है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।